नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा प्री शिक्षा शास्त्री, प्री शास्त्री शिक्षा शास्त्री एवं प्री शिक्षाचार्य 2023 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन हेतु विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें एडवर्टाइजमेंट एंड डिटेल्स ऑफ PSST, PSSSD एंड PSAT 2023, PSST 2023 प्रोस्पेक्ट्स, प्री शिक्षा शास्त्री टेस्ट, प्री शिक्षा आचार्य टेस्ट PSAT का लिंक दिखाई देगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट के बारे में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके निम्न प्रकार देखा जा सकता है। प्री शिक्षा शास्त्री, प्री शास्त्री शिक्षा शास्त्री, प्री शिक्षाचार्य 2023 हेतु आवेदन। विश्वविद्यालय से संबद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सत्र 2023 से 2024 में द्विवर्षीय शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड शास्त्री शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम एवं शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य सरकार और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। द्विवर्षीय शिक्षा शास्त्री एवं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड शास्त्री शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम हेतु क्रमशः सामान्य कला स्नातक तथा सामान्य उच्च माध्यमिक 10+2 उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात कही गई है, द्विवर्षीय शिक्षा शास्त्री एवं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड शास्त्री शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम हेतु सामान्य कला वर्ग तथा सामान्य उच्च माध्यमिक 10+2 उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिनांक 21/8/2023 से 21/9/2023 तक उपलब्ध रहेगा। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत सूचना प्रवेश विवरण का विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थता यानी अपनी योग्यता जांच कर ही आवेदन करें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रवेश संबंधी सूचनाओं के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं और यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया गया है, इस पर भी हम और अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पात्रता के बारे में। प्री शिक्षा शास्त्री टेस्ट PSST के लिए अभ्यर्थी में क्या योग्यता होनी चाहिए? विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा संस्थान की शास्त्री अथवा आचार्य परीक्षा में अथवा संस्कृत विषय सहित स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा में जो इस विश्वविद्यालय की शास्त्री अथवा आचार्य परीक्षा के समतुल्य मानी गई हो तथा सामान्य कला स्नातक अथवा स्नातकोत्तर संस्कृत विषय रहित यानी संस्कृत विषय रहित न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाले तथा प्रवेश अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी PSST के माध्यम से शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में आवेदन करने योग्य होंगे। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग तथा विधवा एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने शास्त्री आचार्य संस्कृत विषय सहित स्नातक BA स्नातकोत्तर MA संस्कृत परीक्षा तथा सामान्य कला स्नातक या स्नातकोत्तर संस्कृत विषय रहित में न्यूनतम 45% अंक राज्य सरकार के निम्नानुसार प्राप्त किए हों, वे इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन के पात्र होंगे। तो यहाँ पर जो बात कही गई है, प्री शिक्षा शास्त्री टेस्ट PSST 2023 के लिए कही गई है। राजस्थान सरकार के शिक्षा ग्रुप 6 विभाग के पत्रांक क्रमांक है 19/5/2022 के अनुसार निर्देशानुसार शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हक परीक्षा शास्त्री
बीए संस्कृत सहित आचार्य एमए संस्कृत तथा सामान्य कला स्नातक स्नातकोत्तर संस्कृत विषय रहित उत्तीर्ण अथवा तृतीय वर्ष अथवा अंतिम सेमेस्टर में बैठने वाले विद्यार्थी बीपी एसएसटी 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं। एक अतिरिक्त विषय के रूप में संस्कृत की परीक्षा उत्तीर्ण कर आचार्य एमए संस्कृत परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी बीएसएसटी के लिए पात्र होंगे। बीए बीएससी बीकॉम की उपाधि संस्कृत के बिना उत्तीर्ण होने वाले वे अभ्यर्थी जिन्होंने एमए संस्कृत में कर लिया हो वे भी पीएसएसटी 2023 के लिए पात्र होंगे। सामान्य कला संकाय से स्नातक भी उक्त पाठ्यक्रम के लिए अर्ह माने गए हैं। तो यहाँ जो पॉइंट रखा गया इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। अब बात करेंगे हम प्री शास्त्रीय शिक्षा शास्त्री टेस्ट PSS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 S
वरिष्ठ उपाध्याय अथवा सीनियर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा संस्कृत विषय सहित अथवा कला संकाय से सीनियर सेकेंडरी संस्कृत विषय रहित 10+2 उत्तीर्ण विद्यार्थी तथा इसके समकक्ष परीक्षा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान के वरिष्ठ उपाध्याय अथवा सीनियर सेकेंडरी 10+2 कला संकाय से सीनियर सेकेंडरी संस्कृत विषय से रहित परीक्षा के समतुल्य हो, इसमें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी न्यूनतम 50% है और अन्य जो आरक्षित श्रेणियाँ उनके लिए 45% जो मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं। तो इस तरह से संस्कृत विषय रहित और सहित वाले जो है अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम प्री शिक्षाचार्य टेस्ट PSAT 2023 के बारे में। विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री BEd संस्कृत विषय विशेष शिक्षण सहित में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 55% है और अन्य जो कैटेगरीज हैं आरक्षित श्रेणी हैं उनके लिए यहाँ पर 50% जो है अंक है निर्धारित किए गए हैं। तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। आरक्षण राज्य सरकार के अनुसार दे रहेगा। ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में यहाँ पर चर्चा की गई है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन शुल्क यहाँ पर ₹500 वेबसाइट के माध्यम से जमा करवाए जा सकेंगे। आवेदन शुल्क जमा करवाने के पश्चात निर्धारित दिनांक तक आवेदन पत्र का प्रिंट नहीं प्राप्त होगा तो निर्धारित अवधि में हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, इसका भी ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरकर उसका प्रिंट लें। परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति अपने पास सुरक्षित संभाल कर रख लें, जिन्हें काउंसलिंग के उपरांत आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा कराना आवश्यक है। फिलहाल आवेदन करने के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट हमें जो हार्ड कॉपी है विश्वविद्यालय में जमा नहीं करानी है, इसे अपने पास सुरक्षित रखना है। काउंसलिंग के समय इनकी आवश्यकता होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो वेबसाइट है यहाँ दी गई है और 21/8/2023 से जो है आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। आवेदन की प्रक्रिया जैसे ही प्रारंभ होती है इस चैनल के माध्यम से इसके संदर्भ में भी आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। अब बात करेंगे हम PSST 2023 के बारे में। प्रोस्पेक्ट दिया गया है PSST परीक्षा 2023 प्री शिक्षा शास्त्री। महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है। परीक्षा हेतु जो मार्गदर्शन दिया गया है, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रवेश परीक्षा की पाठ्य बिंदुएं अंक योजना निम्नानुसार होगी। PSST 2023 परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसके 4 भाग होंगे। संपूर्ण प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र की भाषा संस्कृत होगी। परीक्षा अवधि 3 घंटे की होगी और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा प्रश्नों का जो स्तर होगा वो शास्त्री या BA स्तर का होगा। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी 4 उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। तो यहाँ पर जो प्रारूप दिया गया है पाठ्य बिंदु के बारे में, यहाँ पर जो अंक बार जो विभाजन किया गया है भाग क ख और ग के अंतर्गत, तो इसका अवलोकन हम करेंगे। यहाँ पर नियम दिए गए हैं, नियमों का अवलोकन हम यहाँ आसानी से कर सकते हैं।
नियमों की जानकारी दी गई है, काउंसलिंग प्रक्रिया के संदर्भ में यहाँ पे जानकारी दी गई है, सामान्य दिशा निर्देश हैं, उत्तर चयन के बारे में, बुकलेट के बारे में, ऑफलाइन जो परीक्षा होगी ये आदर्श प्रश्न पत्र है, जो यदि एग्ज़ाम होते हैं तो इस प्रकार का जो है एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर ही जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। शिक्षण जो विषय हैं इसके बारे में यह जानकारी दी गई है, शिक्षा शास्त्र हेतु विद्यालय शिक्षण विषय हिंदी अंग्रेजी सामाजिक अध्ययन नागरिक शास्त्र भूगोल इतिहास अर्थशास्त्र गृह विज्ञान गणित और संस्कृत। परीक्षा केंद्र का नाम यह दिया गया राजस्थान के अंतर्गत और राजस्थान से बाहर जो परीक्षा केंद्रों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। केंद्र चयन के बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी 3 परीक्षा केंद्रों का चयन वरीयता आधार पर करना होगा। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी 2 परीक्षा केंद्र राजस्थान राज्य के बाहर के चयन कर सकते हैं। तीसरा परीक्षा केंद्र राजस्थान का चयन करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य के अभ्यर्थी 3 परीक्षा केंद्र राजस्थान राज्य के चयन कर सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। और स्नातक विषय यहाँ दिए गए हैं नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र अंग्रेजी भूगोल हिंदी इतिहास गणित संस्कृत समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान लोक प्रशासन दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान गृह विज्ञान एवं कला स्नातक यानी समस्त विषय। आवेदन करने से पूर्व इसका अवलोकन हम यहाँ कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे प्री शिक्षा शास्त्री प्री शास्त्री शिक्षा शास्त्री पी ट्रिपल एस टी परीक्षा 2023 के बारे में। 4 वर्षीय शास्त्रीय शास्त्रीय एकीकृत पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र का प्रारूप यहाँ दिया गया है। 3 घंटे की परीक्षा होगी, 200 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी और प्रश्न पत्र की भाषा संस्कृत होगी और प्रश्न वरिष्ठ उपाध्याय सीनियर या सीनियर सेकेंडरी प्लस टू के स्तर के होंगे। पी ट्रिपल एस टी 2023 में आयोजित प्रवेश पूर्व परीक्षा में प्रश्न पत्र होगा, इसके 4 भाग होंगे। तो संस्कृत जो विषय है उसमें जो है परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर बिंदुवार जो पाठ्यक्रम दिया गया है इसका अवलोकन कर सकेंगे। योग्यता के बारे में 10+2 है, आरक्षण के संदर्भ में जानकारी दी गई है, इनका अवलोकन हम यहाँ कर सकते हैं। शिक्षण विषय पात्रता के संदर्भ में नियम दिए गए हैं, परीक्षा किस प्रकार होगी, कौन कौन से दस्तावेज हमें चाहिए और यह प्रश्न पत्र का जो है प्रारूप दिया गया है। यदि परीक्षा होती है तो इस तरह की जो है टाइप्स के जो प्रश्न है पूछे जा सकते हैं। यहाँ परीक्षा केंद्र के बारे में और शास्त्रीय शिक्षा शास्त्री जो विषय हैं शिक्षण विषय उनके बारे में जानकारी दी गई। 12वीं की परीक्षा के विषय यहाँ दिए गए हैं और 12वीं परीक्षा के विषय इनका अवलोकन हम यहाँ करेंगे। इसी तरह से प्री शिक्षाचार्य परीक्षा PSST 2023 पात्रता आवेदन की प्रक्रिया परीक्षा शुल्क आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। 10+2 अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा संकाय परीक्षा के संदर्भ में मार्ग निर्देशन दिया गया है। 200 प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के, 3 घंटे की अवधि, 1 प्रश्न पत्र,
प्रश्न पत्र शास्त्री बीए संस्कृत तथा शिक्षास्त्री बी और संस्कृत शिक्षण सहित स्तर का होगा और प्रश्न पत्र संस्कृत माध्यम में होगा। एक एक अंकों के होंगे। प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ व नकारात्मक अंकन नहीं होगा। प्रश्न पत्र के 5 भाग होंगे। प्रत्येक भाग 40 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र कुल 200 अंकों का होगा। यदि परीक्षा होती है तो इस प्रकार के जो है प्रश्न और यहाँ नियमों के संदर्भ में जो है जानकारी दी गई है। फिलहाल 2 साल से विश्वविद्यालय के द्वारा कोई भी जो है एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया है। यहाँ पर प्रश्न पत्र का प्रारूप दिया गया है कि इस टाइप के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा मेरिट के आधार पर जो है यहाँ पर सिलेक्शन किया जा रहा है। तो विद्यार्थियों की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो ही स्थिति में जो है यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकेगा। इन सभी का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी सहायता से आप वेबसाइट पर पहुंचकर पीडीएफ फाइलें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार किया जा सकेगा इसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अब तक बने रहे RBSE HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।